Good morning to all. Today we will discuss our new topic is filter. What is filter? Filter is a device that allows the passing of DC components of the load and blocks the AC components of the rectifier out. रेक्टिफायर का काम होता है एसी कंपोनेंट से डीसी कंपोनेंट में चेंज करना, कन्वर्ट करना. ठीक, जब आपने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो उसमें आउटपुट में आपको एसी और डीसी दोनों मिल रहे थे. ठीक, बट आपको प्योर डीसी चाहिए थी तो हमने वह फिल्टर यूज़ किया था, कैपेसिटर. ठीक, पैरेलल में लगाया था ना. तो फिल्टर का काम होता है एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करना, करने के लिए, ताकि हमें प्योर डीसी मिल सके. ठीक है, तो द फिल्टर इज अ डिवाइस दैट अलाउज द पासिंग द डीसी कंपोनेंट्स ऑफ द लोड एंड ब्लॉक्स द एसी कंपोनेंट्स ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट. दस द आउटपुट ऑफ द फिल्टर सर्किट विल बी स्टेडी डीसी वोल्टेज. तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको प्योर डीसी मिलेगी, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा आपको. ठीक, फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव द रिपल्स और एसी कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हम इसमें एक्ट एज ए फिल्टर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज कैपेसिटर. कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है पास एसी कंपोनेंट्स, ब्लॉक्स डीसी कंपोनेंट्स. और उसकी और दूसरा यूज करते हैं हम इंडक्टर. इंडक्टर की रिवर्स होती है बिल्कुल, पास द डीसी कंपोनेंट्स एंड ब्लॉक्स द एसी कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हम दो कंपोनेंट्स यूज करते हैं फिल्टर में, पहला है कैपेसिटर, दूसरा है इंडक्टर. ओके, तो फिल्टर्स अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर. फिल्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री. फर्स्ट वन शंट कैपेसिटर फिल्टर, सेकंड वन इंडक्टर फिल्टर एंड थर्ड वन इज पाई फिल्टर. पाई फिल्टर दोनों का मिक्स होता है, शंट और सॉरी कैपेसिटर एंड इंडक्टर का. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज शंट कैपेसिटर फिल्टर. इसमें हम कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में लगाते हैं. ठीक है, तो देखिए डायग्राम में देखिए आप, हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर लगाया है. ठीक है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या बताई थी अभी हमने, पास द एसी कंपोनेंट्स एंड ब्लॉक्स द डीसी कंपोनेंट्स. तो वेवफॉर्म देखिए आप, आपने इनपुट दिया. ठीक, पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइकिल में भी है, नेगेटिव साइकिल में भी है. आपको जो आउटपुट मिला विदाउट फिल्टर, फिल्टर का यूज़ नहीं किया, तो उसमें आपको रिपल्स मिल रहे हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स एसी के हैं उसमें. ठीक है, तो फिर आपने कैप उसका फिल्टर का यूज़ किया तो कुछ कंपोनेंट्स कम हुए, कुछ कंपोनेंट्स रिमूव हुए, एक एसी कंपोनेंट्स वो रिमूव हुए. तो वेवफॉर्म आपकी इसमें ऐसी बनेगी, किसमें, शंट कैपेसिटर फिल्टर में. ओके, अब सेकंड वन आता है आपका इंडक्टर फिल्टर. दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज आल्सो कॉल्ड चोक फिल्टर. इसको हम लोग चोक फिल्टर भी बोल सकते हैं इंडक्टर फिल्टर को. इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एल which is inserted in between the rectifier and load resistance RL. Rectifier output and okay. तो इंडक्टर फिल्टर में हम इंडक्टर को रेक्टिफायर आउटपुट हम मिलता है हमको वो और लोड रेजिस्टेंस के बीच में उसको लगाते हैं. ठीक है, तो रेक्टिफायर कंटेन्स एसी कंपोनेंट्स एज वेल एज डीसी कंपोनेंट. जो रेक्टिफायर होता है आउटपुट मिलता है उसमें डीसी कंपोनेंट्स होते हैं और एज वेल एज एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं. व्हेन द आउटपुट पासेस थ्रू द इंडक्टर
it offers resistance to AC components and no resistance to DC components. मैंने आपको बताया था इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है पास द DC components and blocks AC components. So, देखिए when the output passes through the inductor, it offers a resistance to AC component and no resistance to DC component. मतलब resistance AC components को मिलेगा देगा पर DC components को resistance नहीं देगा. Therefore, AC components of the rectifier output is blocked and only DC components reached at the load. तो AC components होंगे output में वो block हो जाएंगे और सिर्फ DC components pass होंगे load resistance में. ठीक है, देखिए waveform इसकी input दिया आपने negative में भी है positive half cycle में भी है. output मिला आपको वो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिला, आपने उसमें पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो विदाउट फिल्टर आपने देखा इसमें रिपल्स हैं मतलब एसी कंपोनेंट्स हैं, बट फिल्टर का यूज़ हमने जैसे ही किया वैसे ही जो एसी कंपोनेंट्स बहुत कम हो गए. ठीक है, देखिए तो एसी कंपोनेंट्स बहुत कम है. ठीक, समथिंग प्योर डीसी अभी मिली नहीं है. ठीक है, तो ये है आपका वेव फॉर्म इंडक्टर फिल्टर का. अब आता है पाई फिल्टर. ये है दोनों का मिक्स होता है, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर इसमें दोनों लगे होते हैं. तो इन पाई फिल्टर टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वन इंडक्टर. इसमें जो दो कैपेसिटर लगाए जाएंगे वो पैरेलल में लगाए जाएंगे इंडक्टर के. ठीक, तो आरएल लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लोड रेजिस्टेंस को भी पैरेलल में लगाएंगे एंड रिपल्स आर रिड्यूस्ड अक्रॉस द लोड, आउटपुट गेट अप्रॉक्स डीसी. इसमें रिपल्स बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे. ठीक, अप्रॉक्स आपको प्योर डीसी मिल जाएगी. ठीक है, देखिए ये रहा आपका वेवफॉर्म. इनपुट दिया आपने, आउटपुट मिला आपको जिसमें रिपल्स हैं. ठीक है, विदाउट फिल्टर इसमें रिपल्स हैं बहुत हैं, बट जैसे ही आपने इसमें आपने फिल्टर लगाया आपको अप्रॉक्स डीसी मिल गई, मतलब प्योर नहीं अप्रॉक्स आपको समथिंग मिला. ठीक है, तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में आपके जो एसी कंपोनेंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे. इंडक्टर फिल्टर में उससे भी कम हो जाएंगे एसी कंपोनेंट्स, और पाई फिल्टर में अप्रॉक्स डीसी आपको मिल जाएगी आउटपुट में. ओके, थैंक यू.